हे ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप जैसा भी थंबनेल पे देख चुके टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट द बेस्ट बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस दैट यू कैन स्टार्ट इन 2023 ये वीडियो बनाने के लिए क्यों जरूरत पड़ा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानने वाली चीज है आज के डेट पर अगर आप यूट्यूब पर स्क्रोल करोगे बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस

हमारा जो वीडियो है हम कुछ ऐसे टॉप 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 बिजनेसेस के बारे में हम बात करेंगे और उनको कंप्लीटली क्वांटिफाइड तरीके से उसे कंपेयर करेंगे ताकि आप एक जुडिशियस एक वाइस और स्मार्ट डिसीजन ले सको आज हम बिजनेसेस को कंपेयर करेंगे उन बिजनेसेस को स्टार्ट करने में कितना स्टार्टअप स्टार्ट कॉस्ट है उन बिजनेसेस के अराउंड क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना जल्दी आप पैसा बना सकते हो प्लस उनके फिनाशियल मॉडल्स के बारे में ही बात करेंगे ताकि क्लियर कट पिक्चर आपके सामने हो जाए और आप इस वीडियो के नए हो लेट मी वी आर द ऑथेंटिक वेरी ऑथेंटिक वेरी ऑथेंटिक चैनल अंडर द सन जो ऑनलाइन बिजनेस के आपके लिए लेके आते हैं डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के अराउंड राइट प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग राइट अगर पुराने हो तो कमेंट करो सब्सक्राइब करो यार मोटिवेशन मिलता है तो आज हम बात करेंगे और कंपेयर करेंगे द मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन बिजनेस ब्लॉगिंग यूट्यूबिंग ऑफिलियट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग के बारे में तो लेट्स गेट स्टार्टेड तो अगर अभी स्क्रीन पे देखो ना लेट्स स्टार्ट विथ कंपेयरिंग तो कोई भी बिजनेस को ना हम कंपेयर करने के लिए थ्री तीन एस्पेक्ट पे हम कंपेयर करते हैं कि ब्लॉगिंग है या यूट्यूबिंग है क्या क्या स्किल्स चाहिए स्टार्टअप कॉस्ट क्या चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टार्टअप कॉस्ट चाहिए राइट प्लस स्किल्स क्या क्या चाहिए आपके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए फिनेंशियल मॉडल एक्सैक्टली पैसा बनता कैसे और रिटर्न ऑन इनवेस्ट मतलब कब तक आप पैसा बना सकते हो बहुत ही इनडेप्थ वीडियो होने वाला है गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड राइट वाले सबसे पहले अगर मैं स्किल्स और स्टार्टअप कॉस्ट की बात करूँ स्किल्स और स्टार्टअप कॉस्ट की बात करू द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू कि आपके पास एक डोमेन और होस्टिंग का इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है डोमेन एंड होस्टिंग बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एफिशियट छोटा सा ही इन्वेस्टमेंट है डोमेन एंड होस्टिंग होना जरूरी है देन स्किल पर्सपेक्टिव से मैं कहूंगा कि यार श फाइंडिंग एबिलिटी यानी कि कौन से टारगेट ग्रुप के लिए आप ब्लॉगिंग करोगे राइट right? ब्लॉगिंग का एक्चुअली में बिजनेस मॉडल है क्या चीज यू नो आप एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑडियंस को चूज करते हो और उस ग्रुप ऑफ ऑडियंस के जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स के अराउंड कॉन्टेंट डेवलप करते हो इन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स और ट्रैफिक बिल्ड करते हो जैसे ही ट्रैफिक आपके साइट पे आएगा द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग द ट्रैफिक ट्रैफिक सम चंक ऑफ ट्रैफिक विल स्टार्ट क्लिकिंग ऑन द एड्स उस एड के रेवेन्यू से आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनता है

उनका कीवर्ड्स होते हैं उस कीवर्ड्स को टाइप करके आप चेक कर सकते हो उनका मंथली वॉल्यूम क्या है प्लस हाई कमर्शियल इंटेंट होना जरूरी है दैट मीन्स यू नो यू हैव टू मेक श्योर कि वो जो यू नो ब्लॉगिंग आप जो भी नीच पे स्टार्ट करोगे उस नीच के अराउंड हाई कमर्शियल यू नो इंटेंट भी होना चाहिए दैट मीन्स यू नो जो प्रोडक्ट्स या जो सर्विसेस या जो एड्स आप अपने ब्लॉग पे प्रमोट करोगे कॉस्ट पर क्लिक शुड भी हाई राइट द कॉस्ट पर क्लिक शु बी हाई तो एक हाई कमर्शियल एंटेन होना चाहिए जैसे कि फॉर एक्जाम्पल आप कह सकते हो साइंस टेक्नोलॉजी के अराउंड अगर आप कोई ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें इनकम पोटेंशियल ज्यादा है ज्यादा रहेगा राइट द सेकंड इंपॉर्टेंट स्किल दट इज रिक्वायर जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो एस सी ओ भाई एस सी ओ इज अस्ट एस सी ओ इज ए मस्ट एस और एस टूल्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है बिकॉज इट इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक ट्रैफिक राइट अगर आप ऑर्गेनिक गूगल पे आपका ट्रैफिक आएगा कैसे जब आपके ब्लॉग्स रैंक हो रहे हैं राइट right? ब्लॉग पे ट्रैफिक आ रहा है तो दैट फॉर दैट एस इज अ मस्ट ए के अंदर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीवर्ड रिसर्च जो कि सबसे ज्यादा गोल्ड माइन स्किल है कीवर्ड रिसर्च का स्किल होना चाहिए बैकलिंग बिल्ड करने का आउटरीच करने का इन्फ्लुएंसर टाइप करने का प्लस एस सी टूल जैसे यू नो एस सी एम रश एच रेफ इस इस जैसे टूल्स का आपके पास नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी ट्रैफिक बिल्डिंग स्किल यू नो आपको मेकश्योर sure करना है कि अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको सोशल मीडिया पे भी ट्रैफिक लाना आपको सीखना जरूरी है देन कम्स यू नो कंटेंट क्रिएशन विदाउट कंटेंट क्रिएशिंग अबिलिटी यू जस्ट कैन नॉट सर्वाइव इन द ब्लॉगिंग इंडस्ट्री क्योंकि गूगल फीड करता है कंटेंट तो के ऊपर तो ब्लॉगिंग यानी कि आर्टिकल राइटिंग का स्किल बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर यूट्यूबिंग कर रहे हो देन ऑल्सो आपके पास इस तरह से वीडियो मार्केटिंग या तो वीडियो बिल्डिंग वीडियो प्रोडक्शन वीडियो एडिटिंग के स्किल्स होने भी जरूरी है तो देन कम सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने ब्लॉग को भी ब्रांड में कन्वर्ट करना है अगर आप चाहते हो कि ब्लॉग में एडिशनल यू नो एडिशनल सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक आए अपार्ट फ्रॉम गूगल तो आपको मेक श्योर sure करना है कि आपको एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने ब्लॉग को यू नो पिन इंटरेस्ट इंस्टाग्राम लिंकडिन पे प्रमोट करो ताकि वहां से भी एक बड़ा चंक ऑफ ट्रैफिक आप अर्न करो राइट right? जो कि इवेंचुअली आपके एड्स पे क्लिक करेंगे देन फाइनली कम्स वेब डिजाइनिंग क्योंकि ब्लॉगिंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द ट्रैफिक मॉनिटाइजन दैट इज ऑन हैपनिंग ऑन योर वेबसाइट तो वेबसाइट के सारे वेबसाइट बिल्डिंग का आपके पास नॉलेज होना जरूरी है स्पेशली यू नो टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन आपके साइट में आप कैसे करोगे इस चीज में आपको प्रो होना है टेक्निकल एस्यू स्ट्रक्चर डाटा से लेकर के फीचर स्निपेट से लेकर के रोबोट्स डॉट टी एक्स टी एक्सएमएल साइट मैप एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेक्निकल स्टाफ प्लस आप अपने ब्लॉग्स पे वेब स्टोरीज भी लगा सकते हो तेरे लॉर्ड अस यू नो हाउ एग्जैक्टली यू नो इट विल प्रूव दैट यू आर अ वेबसाइट डिजाइनर तो वेबसाइट डिजाइनिंग स्किल इज अ मस्ट तो इतने सारे स्किल्स में तो आपको यू you नो know, अपने हाथ गंदे कर, नहीं करने ही करने हैं जो आपको सीखना पड़ेगा देन कम्स बॉयज एंड गर्ल्स देखते हैं फिनेशियल मॉडल फिनेंशियल मॉडल मतलब एक्जैक्टली सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होते हैं ब्लॉगिंग में अगर आप एक्जैक्टली सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू देखोगे तो सबसे पहला यहां पे गूगल एड्स यानी कि बहुत सारे जैसे आप स्क्रीन पे मैं टीम आपको कहूंगा टीम को कहूंगा कि वो स्क्रीन पे डालते रहे गूगल एड्स यानी कि यू नो गूगल पार्टनर वेबसाइट आपको बनना पड़ेगा दैट मीन्स यू हैव टू अप्रूव योर सेल्फ ऑन अ प्लेटफॉर्मॉर्ड एज गूगल एडसेंस के प्रोग्राम में आपको साइन अप करना पड़ेगा दब गूगल एज ए एडवर्टीजमेंट नेटवर्क आपके ब्लॉग में वो एड प्लेस करेगा राइट तो अगर उनके एड पे क्लिक आते हैं कर सकते हो अगर आपके ब्लॉग पे किसी नीच का एक हैवी ट्रैफिक आ रहा है तो आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट कर सकते हो दैट मीनस यू कैन कनेक्ट विद मल्टीपल कंपनीज इन्फ्लुएंसर्स और उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए आप आर्टिकल्स लिख सकते हो इट्स काइंड ऑफ आर्टिकल्स फॉर मार्केटिंग आप कह सकते हो देन कम्स आपको अपने कंपनी का ब्रांड बिल्ड करने में भी ब्लॉग बहुत हेल्प करता है जैसे आप अब स्क्रीन पे देख रहे हो आज का डेट पे यू you नो know, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं हमारे ब्लॉग के थ्रू से क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली ब्लॉगिंग करते हैं डिजिटल मार्केटिंग फॉर आयुर्वेदा डिजिटल मार्केटिंग फॉर डॉक्टर डिजिटल मार्केटिंग और डेंटिस्ट डिजिटल मार्केटिंग और यू नो फैशन इन सारे कीवर्ड्स पे पर यू नो हमारे को क्लाइंट्स मिलते हैं सर्विसेज के लिए लेकिन जब कोई भी एक क्लाइंट गूगल पे रिसर्च कर रहा है उनके कोई प्रॉब्लम को लेके और आपका ब्लॉग रैंक करता है देन डेफिनेटली इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ब्रांडिंग इंपैक्ट आपको एक बहुत ही ज़्यादा एक ब्रांडिंग सिग्नल आपके कंपनी को मिलता है देन प्राइवेट एड्स भी लगा सकते हो आप इंडिविजुअल तरीके से पर्सनलाइज तरीके से मल्टीपल कंपनी के साथ आप टाइप हो सकते हो उनके बैनर्स को आप प्लेस कर सकते हो राइट एंड फॉर ए स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम उनके कंपनी के प्रोडक्ट को अपने ब्लॉग के अराउंड फीचर करने के लिए भी आप चार्ज कर सकते हो तो आर फोर सोर्सेस ऑफ मॉडल अगर बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जितना मेहनत करोगे ब्लॉग में यू you नो know, पैसा कब कमाओगे तो सबसे पहला है ब्रेक इवन कब मिलने वाला है ब्रेक इवन यानी कि ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट होता है जब आपके आपका बिजनेस एक प्रॉफिटेबल मोड में चला जाता है राइट आपका बिजनेस एक प्रॉफिटेबल मोड में चला जाएगा राइट तो एटलीस्ट तीन से छह महीने तो लगेंगे यार लेट मी टेल यू क्योंकि ब्रेक इवन का मतलब है कि कब आपका ब्लॉग प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट होगा क्योंकि आप स्टार्टिंग में कंटेंट पे बहुत मेहनत करोगे हो सकता है कंटेंट राइटर को हायर करो यू यू नो विल बी पुटिंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट कोई भी बिजनेस हो यार एक पॉइंट होता है जब ब्रेक इवन आएगा ब्रेक इवन को बहुत अच्छी तरह से समझो लोगों को लगता है कि पैसा आप रातों रात स्टार्ट हो जाता है नो प्रो यूनिट टू अंडरस्टैंड जब मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था दो हजार में सबसे पहला मेरा यू नो एडसेंस अप्रूवल के बाद चेक आने में डॉलर का चेक आने में मेरे को ग्यारह महीने लग गए थे राइट right? जब हमने ये यूट्यूब चैनल भी बिगिन किया था ये यूट्यूब चैनल में भी यार तो चैनल मोनिटाइज हुआ था एक साल के बाद सो यूनिट टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली ब्रेक इवन कब आ सकता है नो you know? एन एवरेज तो मिनिमम तीन से छः महीना लगेगा ही लगेगा दैट मीन्स जब आप अपने ब्लॉग से पैसा बनाना स्टार्ट करोगे मतलब तीन से छह महीने तक आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना है यू हैव टू पुट इन राइट इन ब्लॉग्स ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ट्रैफिक लाना पड़ेगा तीन से छ महीने के बाद अप्रूवल के बाद आप पैसा यू नो एक्सपेक्ट कर सकते हो देन कम्स इनकम पोटेंशियल वट एक्सैक्टली द इनकम पोटेंशियल तो मैं कहूँगा फ्रॉम लो टू हाई डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनत कर रहे हो आप मेहनत नहीं करोगे यार मुझे कमाना है तो मैं कहूँगा कि बहुत बहुं सारे ऐसे ब्लॉगर है यार जो बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाते हजार दो हजार में क्योंकि वो मेहनत नहीं करते वो क्वालिटी पे काम हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग है आप उसको स्केल भी कर सकते हो जो लोग एक्चुअली में ब्लॉगिंग में, में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है राइट वो मल्टीपल ब्लॉग्स रन करते हैं वो बीस तीस चालीस ब्लॉग रन करते हैं उसमें से तीन चार ब्लॉग हिट हो जाता है हिट हो जाता है राइट तो इट्स इनकम पोटेंशियल इज रियली रियली हाई देन कम्स बिजनेस का कंट्रोल क्या ये बिजनेस का कंट्रोल आपके पास है मैं कहूँगा मॉडरेट कंट्रोल है कंप्लीट बिजनेस का कंट्रोल आपके हाथ पे नहीं होगा क्योंकि कंप्लीटली जो ट्राफिक होता है इट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन गूगल्स एल्गोरिदम सोशल मीडिया अलगोरिदम बहुत सारे ऐसे टेक्निकल यू नो ग्लिचेस आ सकते हैं साइट के ऊपर आपका साइट यू नो इट मे गेट ए स्पैम अटक इट माइट गेट ए मालवेयर अटक बहुत सारे टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव से भी रिस्क होते हैं तो मैं कहूँगा कि कंप्लीटली बिजनेस का जो कंट्रोल एज ए ब्लॉगर ई विल से इट्स नॉट हाई कंट्रोल मॉडरेट कंट्रोल लो भी नहीं है लेकिन मॉडरेट रहेगा नाउ लेट एस अंडरस्टैंड अफिलेट मार्केटिंग अफिलेट मार्केटिंग का क्या सीन है यार अफिलेट मार्केटिंग है क्या चीज अफिलेट का मतलब क्या है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी के साथ टाइप करते हो उनके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जैसे ही सेल होती है आपको कुछ कमीशन मिल जाता है आज के डेट पर बड़े बड़े अफिलेट नेट बहुत सारे अफिलेट नेटवर्क से प्लस अमेजॉन अमेजॉन भी बहुत ही अच्छा कमीशन देता है अगर आप उनके अफिलियट पार्टनरशिप में साइन अप करते हो तो समझते हैं अफिलेट मार्केटिंग का क्या मॉडल है अफिलेट मार्केटिंग का टेक्निकली मॉडल यह है कि कोई भी कंपनी आपको उनके प्रोडक्ट को सेल करने का कमीशन देगी राइट कमीशन देगी तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इनके भी तीन चीज देख लेते हैं यार स्टार्टअप और स्किल स्टार्टअप और स्किल्स का क्या कॉस्ट चाहिए अगर मैं स्टार्टअप कॉस्ट की बात करूं ब्लॉगिंग के लिए जितने स्किल्स चाहिए ना वो स्किल्स तो मैंडेटरी ही मैंडेटरी है मैंडेटरी मैं कहूंगा कि अफलेट मार्केटिंग ब्लॉगिंग के प्रो ब्लॉगिंग प्रो ब्लॉगर्स जिन्हें मैं कहूंगा वो अफलेट मार्केटर्स होते हैं क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट के अलावा अपने ब्लॉग पे प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं अफुलेट मार्केटिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि लोग अपने ब्लॉग्स के अंदर प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट करते हैं एंड मेक ह्यूज कमीशन आउट ऑफ इट तो ब्लॉगिंग के सारे स्किल्स चाहिए ही चाहिए देन कम्स मार्केट रिसर्च का स्किल मार्केट रिसर्च का स्किल्स यानी कि यार प्रोडक्ट प्रोडक्ट हंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना एक बहुत ही टीडियस एंड स्ट्रेटेजिक टास्क होता है जो आपको करना ही करना है राइट right? कि प्रोडक्ट कौन से मार्केट पे हम प्रमोट करेंगे प्रोडक्ट हमें कितना कमीशन दे रहा है क्या वो प्रोडक्ट एक्यूरेटली यूजफुल है भी या नहीं है भी या नहीं उनके कितने रिव्यूज़ है मार्केट में राइट right, तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते जाना है यू हैव टू कीप ऑन टेस्टिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स इफ यू आर टू अफिलेट मार्केटिंग तो इस सिचुएशन में अगर मैं कहूंगा स्किल्स में तो बहुत सारा एडवर्टीजमेंट भी भी आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है टेस्ट करने के लिए आपको पचास सो दो सो क्लिक्स खर्च करने पड़ेंगे मीडिया बाई करना पड़ेगा गूगल सर्च एड वीडियो व्यू एड्स यू नो मे बी फेसबुक एड भी रन कर सकते हो तो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपको मार्केट रिसर्च का स्किल होना चाहिए ऐसा कोई प्रोडक्ट मत उठा लो हेल्थ का हेल्थ <laughs> का ड्रग्स के प्रोडक्ट होते हैं कि यार यू नो वेट लॉस के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि गूगल कभी भी अप्रूव करेगा ही नहीं कॉन्टेंट पॉलिसी यू नो अप्रूव करता नहीं है चलाने के लिए तो इट इज ऑल्सो रिस्की ठीक है ना मार्केट रिसर्च का स्किल होना बहुत जरूरी है कोई भी आपको कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट कर देता है यू जस्ट डोंट गो हैड दैट वो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपके पास वो एबिलिटी भी होनी चाहिए बिकॉज लेट से इफ यू आर पिकिंग अ प्रोडक्ट ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि क्या मैं उस प्रोडक्ट के अराउंड सौ आर्टिकल बना सकता हूं हंड्रेड आर्टिकल्स कैन आई मेक और हंड्रेड वीडियो कैन आई मेक ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो इफ आर नॉट पैशनेट अबाउट दैट पर्टिकुलर कंटेंट और इफ आर नॉट पैशनेट अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो आप उसको प्रमोट भी नहीं कर सकते मेरा एक ही फंड है दोस्त आई विल नेवर प्रमोट अ प्रोडक्ट दैट आई कैन नॉट यूज फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ राइट तो देख सकते हो देन कम्स ईमेल मार्केटिंग बहुत ज्यादा आई विल से यू नो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हो जाता है ई मेल मार्केटिंग ई मेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार अफिलेट मार्केटिंग में लोगों के मोबाइल पर पर्सनलाइज तरीके से आप मैसेजिंग कर सकते हो प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो तो ई मेल मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है मैं कहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स इन्फ्लुएंसर आई आपको अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो आप कोलाबरेट कर सकते हो किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर के साथ दूसरे यूट्यूबर के साथ अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए राइट right? आप देखते हो यार बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो यूट्यूब पे किसी प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं और अपने अफिलेट लिंक को डिस्क्रिप्शन में प्रमोट करते हैं राइट देन कम्स फिनेंशियल मॉडल की अगर मैं बात करूँ दो तरीके से आप पैसा बना सकते हो टेक्निकली प्रोडक्ट इंक्वायरी पे प्रोडक्ट सेल पे बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जो आपको यू you नो know, आपको कमीशन देंगे इफ यू आर जस्ट जनरेटिंग लीड्स फॉर देम यानी कि बंदा आएगा प्रोडक्ट अगर उसे अच्छा लगा तो वो सिर्फ इंक्वायरी रेज करेगा फॉर इंक्वायरी ऑल्सो सीपीए ये होता है प्राइमरी सीपीए मॉडल कॉस्ट पर एक्विजिशन देन कम्स प्रोडक्ट सेल कॉस्ट पर सेल पे भी आप पे कर सकते हो अगर मैं आज के डेट पर कहूंगा कि ऑर्गेनिक तरीके से ऑफिलेट मार्केटिंग में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है अनलेस एन अटिल यू आर नॉट लकी आप ब्लैक ब्लैकहेड तरीके अपना सकते हो अगेन ब्लैक ब्लैकहेड तरीका सीखने के लिए आपको जो इंटेंसिफाइड ब्लॉगर्स होते हैं या बहुत ही सीरियस कंपनी चला रहे हैं अफलेट मार्केटिंग के अराउंड उनके पास बैठ के ये चीजें सीखनी पड़ेगी राइट इट्स नीट ए लॉर्ड ऑफ स्किल स्किल कमिटमेंट बहुत ज्यादा स्किल कमिटमेंट है इस पर तो दो तरीके से पैसा बना सकते हो देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें ब्रेक इवन कब आ सकता है अगेन यू यूनिट टू अंडरस्टैंड जो दिखता है वही बिकता है जिसके पास है जनता जगत उसी की सुनता है जैट मीन्स अगर आपको 10 प्रोडक्ट सेल करने हैं तो आपको मेक श्योर sure करना पड़ेगा कि आपके वेबसाइट पे अगर हर दिन दस प्रोडक्ट सेल करने आपके साइट के ऊपर या आपके कम्युनिटी के ऊपर एटलीस्ट लाइक माइंडेड हजार लोग आ रहे हैं उस प्रोडक्ट पेज पे सो इट इज ऑल अबाउट ट्रैफिक तो ट्रैफिक बिल्ड करने में टाइम लगता है यो अगर आप स्टार्टअप हो आपको पता नहीं है कि यार एड्स पे भी खर्च करना पड़ता है इफ यू डोंट नो दे प्लीज ओपन योर आई लॉट ऑफ पीपल विल से सो डॉलर का एड चलाओ हजार डॉलर का प्रोडक्ट सेल हो जाएगा पता नहीं कितने तरीके से वो आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे बट रियलिस्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल Realistically, it is not possible, right? आपको हाथ गंदे करने पड़ेंगे, जैसे मैंने कहा 50-100-200 तो आपके टेस्टिंग में ही जाएंगे, so, क्यों कह रहा हूँ अगर आपके पास ऑलरेडी एक कम्युनिटी है या आप किसी इन्फ्लुएंसर के साथ टाइपअप कर रहे हो कोई बड़े इन्फ्लुएंसर का टाइप कर रहे हो उनको एक हफ्टी अमाउंट ऑफ मनी पे कर रहे हो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए राइट सो दिस इज वन वे आप जल्दी थोड़ा थर्टी डेज के अंदर अपना प्रॉफिट कमा सकते हो देन कम्स इनकम पोटेंशियल इट इज अगेन लो टू हाई लो टू हाई बहुत लोग यू नो गेट रिच क्विक और बहुत सारे गुरुज भी हैं वो रातों रात करोड़पति बनोगे एफिलेट मार्केटिंग करके वो भी कहते हैं बन सकते हो लेकिन रातों रात नहीं ब्रो एनीथिंग दैट इज लीगल एंड एथिकल रातों रात नहीं होता है कोई भी लेजिट धन देखो अगर आपको ग्रो करना है ना लेटमी टेल यू एज ए मेंटर लॉड ऑफ पेशेंस एक्सपीरियंस तो वो चक्कर में पड़ो ही मत अगर बीस के उम्र के हो ना तो आप तो फंसोगे अगर इस तरह के कॉन्टेंट देख के खुश हो जाते हो तो इनकम लो टू ये ब्रोक हो यार आप नहीं सेल कर पा रहे आपके पास मार्केटिंग की स्किल नहीं है कॉन्टेंट राइटिंग की स्किल नहीं है तो यार लो रहेगा अदरवाइज यू नो आई नो सो मेनी ऑफिलियट मार्केटर्स इन बैंगलोर कंपनी चला रहे सौ दो सौ लोगों की कंपनी चला रहे राइट देन कम्स बिजनेस का कंट्रोल आपके हाथ में क्या मैं कहूंगा अगेन मॉडरेट मॉडरेट हमारे 300 आर्टिकल मैं आपको यूज केस बताता हूँ हमारे एक तीन आर्टिकल हमने प्रमोट हमने लिखा था और सारे के सारे उसमें से 30 परसेंट आर्टिकल गूगल पे अच्छा खासा ट्रैफिक ला रहे थे रैंक भी कर रहे थे 2014 की बात है गाइज मैं उन साइटों का नाम नहीं लूंगा लेकिन ओवरनाइट क्या हो गूगल के कुछ पॉलिसीज आए और उस तरह के आर्टिकल्स हम नहीं लिख सकते हैं इट वॉज एक्चुअली एगेंस्ट गूगल कॉन्टेंट पॉलिसीज राइट प्लस फेसबुक का एल्गोरिदमिक अपडेट्स बहुत सारे आते हैं रोज हम लोग फेसबुक पे यार अगर हम एक डॉलर खर्च के तो दो डॉलर कमाते थे, थे 2016-17 तक लेकिन उसके बाद यू नो आईओएस अपडेट आया बहुत सारा डेटा प्रीविय के बहुत सारे यू नो कंट्रोवर्सीज हुए फेसबुक में राइट आफ्टर दैट इट बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट तो मैं कहूंगा कि यार क्योंकि प्रोडक्ट आपका खुद का नहीं है किसी दूसरे के रहमो क्रम पे आप हो यानी कि वो बंदे का जो भी मार्केटिंग का इन्वेस्टमेंट है वो आपका रेवेन्यू बनता है कमीशन स्ट्रक्चर एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सम अदर कंपनी राइट और वो कंपनी आपका जमाई तो है नहीं कि आपकी बातें सुनेंगे राइट वो बैठा है लॉस एंजल्स में वो यूएस में बैठा है वो कहीं दिल्ली मुंबई में बैठा है आप कहीं पे बैठ के काम कर रहे हो तो कंप्लीट हाई कंट्रोल भी इस बिजनेस में आपका नहीं रहने वाला है तो मैं कहूँगा कि अगर आपको ब्लॉगिंग या अफलेट मार्केटिंग करना है ना देन मेक श्योर करो कि ये आपके एक साइड हसल की तरह स्टार्ट करो राइट डोंट लीव योर फुल टाइम जॉब या तो अपना कोई स्टीडी सोर्स ऑफ इनकम रख के ही ये सारे बिजनेसेस को बिगिन करो राइट दिस इज व्हाट आई रिकमेंड राइट नाउ इवेंचुअली ओवर प्रोडक्ट टाइम इसे स्केल कर सकते हो देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट लेट अस अंडरस्टैंड इट्स अबाउट फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग क्या है जब आप किसी कंपनी के लिए कुछ वैल्यू जनरेट करते हो दैट मीन्स इफ देर इज अ कंपनी इफ देर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको आप एक सर्विस दे रहे हो मे बी लोगो डिजाइनिंग मे बी वीडियो प्रोडक्शन मे बी यू नो ओ में बी लीड जनरेशन का सर्विस दे एक्सचेंज वो आपको कुछ लमसम फी आपको पे करते हैं फ्रीलांसिंग यानी कि यू आर एब्सलूटली फ्री यू डोंट वर्क फॉर एनी वन कंपनी यू कैन वर्क फॉर मल्टीपल कंपनीज पेपाल का एक रिपोर्ट है इंडिया में एक एवरेज फ्रीलांसर बीस लाख से 30 लाख रुपए कमाता है स्क्रीन पे देख सकते हो दिस इज ए रिपोर्ट गिवेन बाई मनी कंट्रोल राइट तो स्क्रीन पे देख लो तो अगेन आई विल से स्किल्स और स्टार्टअप कॉस्ट क्या चाहिए दोस्त आपको नीच बेस्ड सर्विस स्किल्स होने ज़रूरी है नो मैटर फ्रीलांसिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसके पास लीड जनरेशन वेब डेवलपमेंट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का स्किल है होना चाहिए अगर आप एक स्कूल टीचर हो आप एक फ्रीलांस टीचर बन सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑल्सो ए कंसल्टेंट टू मल्टीपल इंडस्ट्रीज राइट तो आप एक कंसल्टेंट हो सकते हो लेट्स आप एक आप फिटनेस uh, कंसल्टेंट बन सकते हो फ्रीलांस फिटनेस कंसल्टेंट बन सकते हो यू कैन बी अ फ्रीलांस एस्ट्रोलॉजर फ्रीलांस एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो यू कैन बी डूइंग फ्रीलांसिंग एनीथिंग एनीथिंग अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बन सकते हो बहुत सारे स्किल्स हैं डिपेंड करता है कि आप कौन से क्या स्किल एक्चुअली में आपके पास है राइट देन कम्स अगेन एक लेजेंड में डोमेन और होस्टिंग बहुत जरूरी है क्योंकि यार अपने सर्विसेज को प्रमोट करोगे आपको इंक्वायरी जनरेट करनी है तो एक डोमेन एंड होस्टिंग होना बहुत जरूरी है देन कम्स डिजिटल मार्केटिंग इज अ मस्ट डिजिटल मार्केटिंग इज अ मस्ट बिकॉज विदाउट मार्केटिंग तो आप कुछ कर ही नहीं सकते आज के डेट पे 2023 में राइट right? और ब्लॉगिंग हो अफिलेट मार्केटिंग इट इज ऑल अबाउट मार्केटिंग मार्केट करो ट्राफिक लाओ जिसके पास है जनता जगत उसी की सुनता है राइट? दिखोगे तो बिकोगे राइट सो so, you know, मार्केटिंग करियर दस साल पर, दो हजार उसके बाद बारह से लेकर के तेरह तक मैं मिनिमम चालीस से पचास एजेंसी के साथ मैं काम कर चुका हूँ ठीक है एज ए कंसल्टेंट एज ए फ्रीलांसर फुल टाइम एम्प्लॉय में नौ साल एजेंसी में काम कर चुका हूं फ्रीलांसिंग से बिगिन किया ज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन किया एक मल्टीनेशनल कंपनी में देन दो हजार सोलह सत्रह में मैंने कॉर्पोरेट से एग्जिट लिया राइट एज ए डिजिटल मार्केटिंग डायरेक्टर देन आई स्टार्टेड माई ओन एजेंसी तो फ्रीलांसिंग से एजेंसी स्केल करने का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरा राइट right नाउ हम मोर देन टू हंड्रेड एजेंसी ओनर्स और फ्रीलांसर्स को हम मेन्टोर कर रहे हैं फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब अक्रॉस द ग्लोब उनको हेल्प कर रही है सारे सारी बिजनेस में तो इस जर्नी में मुझे समझ में आया कि आपका एक पर्सनल ब्रांडिंग होना बहुत जरूरी है क्योंकि पीपल विल बाय यू फर्स्ट देन दे आर गोइंग टू बाय योर सर्विसेज पर्सनल ब्रांडिंग है अराउंड यानी कि एज एन इंडिविजुअल आप अपना एक स्ट्रांग ऑनलाइन रेपुटेशन बिल्ड करते हो जिसके तहत लोग आपके भर ऊपर भरोसा करके आपके सर्विसेज को अवेल करते हैं दिस इज कॉल्ड एज पर्सनल ब्रांडिंग द नेटवर्किंग स्किल इज अ मस्ट यार नेटवर्किंग स्किल यानी कि यू हैव टू बी इन आपको पीपल पर्सन बनना पड़ेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल लिंगडिन के ऊपर एक एक ऐसा LinkedIn एक ऐसा है पे सारे you know, सारे के सारे हाई -पेंग, हाई -पेंग हैं। उनके साथ, ताँग तो ताँग उनके साथ साथ करना, उनको कुछ वैल्यू एड करना उनको कुछ एडवाइज देना उनके साथ मीटअप्स करना नेटवर्किंग स्किल मस्ट देप्रीनरशिप एबिलिटी क्योंकि यू you नो know, अबर आप एक फ्रीलांसर हो दैट मीनस आप एक सोलो अप्रेनर हो आपको जिंदगी भर सोलो प्रशिप तो करना नहीं है आपको स्केल करना है टीम बिल्ड करना है कॉर्पोरेट लेवल पे लेके जाना है पर लेकर स्किल है जो कि आप एक्चुअली में स्केल कर सकते हो एक ऐसा एबिलिटी है जो आप स्केल करके एजेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो जो कि होता है प्रो फ्रीलिंग एंड ट्रस्ट मी गाइज यही एक ऐसा धंधा है जो कि आप मैं कहूंगा कि यू you नो know, आप एक कॉर्पोरेट और एक टाइकून लेवल पे कर सकते हो टाइकून लेवल पे कर सकते हो तो ये सारे स्किल्स चाहिए प्लस आपके पास नीच बेस्ड स्किल्स भी होने चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर एस प्रोवाइड कर सकते हो एज ए सर्विस आप फेसबुक एड्स सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो आप कंटेंट राइटिंग कॉपी राइटिंग प्रोवाइड कर सकते हो ग्राफिक डिजाइनिंग प्रमोट कर सकते हो वीडियो एडिटिंग सर्विसेज आप दे सकते हो आप ब्रांडिंग सर्विसेज दे सकते हो आप गूगल एड्स के सर्विसेज दे सकते हो आप यूट्यूब मैनेजमेंट सर्विसेज दे सकते हो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स एज अ सर्विस भी आप दे सकते हो सर्विसेज दे सकते हो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि फिनांशियल मॉडल क्या एक्जैक्टली यू मेक मनी ये एग्जैक्टली exactly एक ऐसा है कि यू नो यू मेक मनी इन ए रिटेनर मॉडल यानी कि रिकरिंग मंथली रिटेनर इनकम यानी कि एक बार एक क्लाइंट आपके साथ ऑनबोर्ड होता है ना ही ऑन बोर्ड फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ दैट मीनस आपको हर महीना सेल करने की जरूरत नहीं है बस क्लाइंट्स को रिटेन करना होता है रिटेन करना होता है दैट मीन्स एवरी मंथ यू आर नॉट हैविंग सेल्स का लोड आपको सर्विस सर्विस का लोड लेना एक्चुअली यहां पे राइट right? जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी सोशल मीडिया क्लाइंट को आपने ऑनबोर्ड किया

एज ए मास्टर फिलंसर या तो मास्टर एजेंसी जहां पर हम कंप्लीटली प्रोजेक्ट को एलोकेट करते हैं एंड वी नो हाउ एक्टली ये स्केल हो सकता है हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे ना ग्रुप एम जो की वन ऑफ दिन इंडिया है पांच सौ करोड़ का रेवेन्यू बनाया पिछले साल तो यह तो एक छोटी सी कंपनी है इससे भी बड़े बड़े यू नो देर आर गॉड फादर कंपनी प्रेजेंट गॉड फादर कंपनीज प्रेजेंट है तो रिकरिंग मंथली मॉडल दैट मीनस सेल करो एक बार कमाओ जिंदगी भर राइट right? देन कम्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ब्रेक इवन कब आ सकता है ब्रेक इवन आप बिजनेस में कब ला सकते हैं मैं कहूंगा ब्रेक इवन आप इमीडिएट बेसिस पे ला सकते हो अगर आपके पास कोई स्किल है ना एंड यू नो हाउ एग्जैक्टली टू डे ए क्लाइंट्स दैट मींस आपके पास मार्केटिंग सेल्स का नॉलेज है ना यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट ऑन बोर्डिंग इमीडिएटली स्टार्ट ऑन बोर्डिंग क्लाइंट्स है इमीडिएट बेसिस पे विद इन थर्टी डेज यू कैन स्टार्ट एंड क्रैक योर वेरी फर्स्ट क्लाइंट इनकम पोटेंशियल की मैं बात करूं अगर इट वेरी हाई ये ये सर्विस 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 बिज़नेस बिज़नेस है यार विप्रो सारे पे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप अपने आपको एक, एक एस्टैब्लिश स्टार्टअप फाउंडर से एक एस्टैब्लिश बिजनेस मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो अपने को सो दिस इज वन ऑफ द रियल टाइम हार्ड बिजनेस अंडर द सन मैं कहूंगा रियल टाइम हार्ड बिजनेस इनकम पोटेंशियल इज वेरी राइट अगर आप अपना इंटरनेशनल ग्लोबल बिजनेस अगर आप स्केल करो तो यूएस यूके से जो क्लाइंट आएंगे मिनिमम पांच से हजार डॉलर आपका बिलिंग होगा मिनिमम एवरी सिंगल मंथ एवरी सिंगल मिनिमम मिनिमम एंड इट कैन गो अपू फाइव थाउजेंड टू टेन थाउजेंड डॉलर एवरी सिंगल मंथ फ्रॉम वन सिंगल क्लाइंट वन सिंगल क्लाइंट बिजनेस कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ भाई यहां पे यार बिजनेस कंट्रोल आपका कंप्लीटली हाई होगा हाई 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 दैट मींस आपको सिर्फ मार्केटिंग सेल्स देखना है राइट देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज लॉट ऑफ फ्रीलांसर जो आपके लिए काम करेंगे आपको बस सेल करना है क्लाइंट एक्विजिशन करना है अपना कट और अपना प्रॉफिट रखना है अपने ब्रांड के अम्ब्रेला के अंडर ब्रांड रूफ के अंदर आपको अपना 50% परसेंट साठ परसेंट मिनिमम आपको अपना प्रॉफिट रखना है और काम किसी भी एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट से आपको करा के डिलीवर कराना है दैट टू अंडर योर ब्रांड राइट तो यहाँ पे आप ह्यूमन टू ह्यूमन इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है दैट मीन्स आप कोई बॉट एल्गोरिज्म इनविजिबल स्टफ के ऊपर आपका बिजनेस डिपेंडेंट नहीं है या कोई बड़े कंपनी जैसे गूगल एमेजोन के मोनोपोली पे आपका कंपनी डिपेंडेंट नहीं होता है सो आई वु वेरी वेरी आशा करता हूं यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा एंड अकॉर्डिंग टू माई सर्वे आई वु इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट एनी ऑनलाइन बिजनेसिंग इज द बेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड इमिडिएटली विथ वेरी लो अमाउंट ऑफ स्किल्स And you can get very very fast and quick income within 30 days. Within 30 days. agar aap अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ko kaise को कैसे हम sakte कर सकते हैं बड़े le ja ले जा सकते हैं और एक एजेंसी पे कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं देन आई विल मेक ए स्पेसिफिक वीडियो ऑन इट लेकिन आपको रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन पे थोड़ा भाईचारा दिखाओ रिक्वेस्ट करो तो मैं और एक वीडियो लेके आऊंगा एंड अ वेरी गुड न्यूज गाइज गुड न्यूज क्या है गाइज दैट Admi is has launched their lifetime mentorship program, जो कि advanced diploma in digital marketing and business leadership, जहाँ पे complete आप scratch से freelancing को start कैसे करें, plus step by step आप उसे multinational agency में कैसे convert करोगे, complete आपको live class model में hand holding तरीके से हम आपको सिखाएंगे. ये 4.5 मंथ्स का ये ट्रेनिंग है इफ यू जस्ट गिव मी टू मिनट्स ऑफ योर टाइम आई कैन प्रूव दैट एडमी वाई एडमी इज द बेस्ट सबसे पहला दोस्त इट इज ए 4.5 पॉइंट फाइव 85 फाइव मॉड्यूल्स का ट्रेनिंग कंप्लीट लाइव क्लास कंप्लीट लाइव क्लास सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कॉरिकुलम अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सिस्टम लाइव क्लास के अलावा भी अगर आप अपने घर पे बैठे हो और ऑफिस पे बैठे हो कोई प्रोजेक्ट पे स्टक हो गए वी आर जस्ट वन कॉल अवे वन कॉल अवे अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग लार्जेस्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि लाइव क्लास के अलावा भी डिजिटल मार्केटिंग और एजेंसी फ्रीलांसिंग के दौरान जो भी इंफॉर्मेटिव टूल्स हैं इफेक्टिव टेक्निक स्ट्रैटेजीज हैं फ्यूचर में जो भी अपडेट होगा आपको ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मिलने वाला है जो भी लाइव क्लासेस में होंगे अगर आपने सेशन मिस कर दिया बाई चांस तो वो सेशन आपको एल में मिल जाएगा

हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स और ऐसे, ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो घर पे बैठे बैठे सिक्स फिगर का इनकम कर रहे हैं दैट मीन स्टार्ट योर एजेंसी 90 डेज प्लस टू मंथ्स का पेड इंटर्नशिप ये साढ़े चार महीने का ये जो ट्रेनिंग होने वाला है इसके बाद इसके अंदर आपको दो महीने का हमारे प्रोजेक्ट पे इंटर्नशिप भी करना है विच इज पेड जहां पर पैसा भी कमा सकते हो प्लस लाइफ टाइम लाइफटाइम लाइफ टाइम यानी कि साढ़े चार महीने का ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी जब तक आप अपने फिनेंशियल गोल्स तक नहीं पहुंचते हो आवर टीम विल बी हेल्पिंग यू डे इन डे आउट डे इन डे आउट विथ जस्ट वन कॉल अवे लाइफ टाइम मेंटोरशिप साढ़े चार महीना खत्म होने के बाद भी एवरी वीकेंड यू कैन लर्न ऑन एडवांस टॉपिक्स जो आउटडेटेड हो गया उसे चेंज करके एडवांस टॉपिक्स हम आपको सिखाएंगे जब तक आप हमारे एल्यूमनाई बेस में हो जब तक आप हमारे पास आउट एल्यूमनाई बेच में हो यू गेट ट्रेनिंग एवरी सिंगल वीक ऑन ए लाइफ टाइम ऑन 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 एब्सुल्यूटली लाइफ टाइम बेसिस देन कम्स बैठक बैठक मीन्स इट्स ए वन टू वन

of success stories right now i want to help you i want to help you guys smart people invest here smart people invest here what are you still thinking the next batch is starting very very soon the next batch is starting really really soon click on the link below download the syllabus talk to our course counselors talk to our course consultants hamare student success manager se baat karo jo bhi challenge discuss and see you in the live class live class guys i will be appearing live live every single day and teaching you क्लियरिंग योर डाउट इन द सेशन जो भी चैलेंज है जॉब करियर और प्रोफेशनल करियर एज सुन एज पॉसिबल स्टिल थिंकिंग क्लिक ऑन द लिंक बिलो ब्रदर वी आर गोइंग टू लॉन्च अवर हंड्रेथ बैच हंड्रेथ बैच आने वाला है हमारा We are the best. 13 years of experience, brother and sister. Still thinking smart people invest here. Link pe click karo, syllabus download karo, counseling book karo, and see you in my live session. This is Alok Bhatia signing out for now. Have a nice day, bye. -bye. Thanks a lot.